कल आपसे बात थोड़ी सी हुई थी और आज ना फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। कुछ बच्चों के कैमरे नहीं खुले हुए हैं तो वो भी अपने कैमरे खोलें क्योंकि अटेंडेंस लेने में और आपको देखने में आसानी होगी। सो थैंक यू वेरी मच। और मुझे अब्दुल मुईस, आपको मैंने अनम्यूट किया है, मुझे सिर्फ ये कंफर्म करें कि आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है। अब्दुल मुईस, जी सर, आ गए। हाँ थैंक यू वेरी मच। सो हियर वी हैव, अब ये वाइट स्क्रीन आपको नजर आ रही है और अब इस पे हम आपसे अपनी बात करते हैं। कल आपसे बात हो चुकी और जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी, आमिर अरशद मेरा नाम है और प्रिंसिपल मेरिटोरियस साइंस कॉलेज में हूँ फ्रॉम द ईयर 2004 जब से ये बना है। बट नाउ जिस मेरी हैसियत से मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो ये है कि आई वांट टू टीच यू द केमिस्ट्री। सो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री जिससे आज हम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कर रहे हैं आपके फर्स्ट ईयर का, इंशाल्लाह विल बी टॉट बाय मी। तो केमिस्ट्री हम आपको पढ़ा रहे हैं और मैं केमिस्ट्री में एमफिल कर रहा हूँ, इंशाल्लाह जल्द पूरा हो रहा है। और इट्स अबाउट 30 ईयर्स जब ये सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ और इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। तो अब जरा सी बात पहले हम इस सब्जेक्ट की कर लें, अपने बारे में काफी हो गई। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री हमने कल भी आपसे कहा था कि आप लोग सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो फर्स्ट ईयर की किताब है या इवन ऑल सब्जेक्ट जितनी भी किताब है सब खरीद सकते हैं। तो अब वो जो बुक्स हैं वो सारी ऑफिशियल सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की हैं, हर बुक स्टॉल पर। जो प्री इंजीनियरिंग वाले हैं उनमें बायोलॉजी होगी, जो प्री मेडिकल वाले हैं उनमें, जो प्री इंजीनियरिंग वाले हैं उनमें मैथमेटिक्स होगी और जो प्री मेडिकल वाले हैं उनमें बायो। रेस्ट ऑफ द 5 सब्जेक्ट्स आर कॉमन फॉर बोथ ऑफ देम, वो है इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, केमिस्ट्री और फिजिक्स। सबकी ऑफिशियल टेक्स्ट बुक हैं, जो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की हैं, आपको किसी भी बुक स्टॉल से आसानी से मिल जाएंगी। और जहाँ तक केमिस्ट्री का ताल्लुक है तो मैं बता दूँ कि फ्रॉम लास्ट 30 ईयर्स यही बुक चल रही है। इसलिए अगर कोई ये कह दे कि इस साल का नया एडिशन नहीं आया तो हर किसी भी ना परेशान होइएगा, आप यहाँ से 5 साल पुराना है ना वो भी देने को चलेगा। हर साल ये बुक नए स्टूडेंट्स के लिए कवर चेंज करके पब्लिश कर दी जाती है, लेकिन बुक वही। इसलिए अगर वो आपको पुराने एडिशन की मिल रही है या आपका कोई बड़ा बहन भाई 2 4 से 8 साल पहले पढ़ा था, डोंट वरी, वो भी बुक अभी तक चल रही। तो बुक होने की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वो आपके पास हो फॉर एवरी सब्जेक्ट, कि हमें कुछ चीजों में भी जरूरत भी रहती है। जब हम आपको पूरे नोट्स देंगे सब कुछ देंगे तो इस तरह तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी स्टडी भी जरूरी होती है कि हम भी ये क्रॉस एग्जामिन करें कि हम किन टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं, कितने टॉपिक कवर कर दिए सर लोगों ने, कितने रह गए। और फिर अबव ऑल न्यूमेरिकल्स वगैरह जब हम करवाएंगे तो सबसे पहली प्रायोरिटी यही होगी कि बुक में जितने हैं वो तो लाजमी कराएं, पास्ट ईयर पेपर्स में जितने आए हैं वो भी करवाएं और फिर कुछ प्रैक्टिस भी करवाएं। तो फिर हमें जगह जगह बुक के रेफरेंस की जरूरत पड़ती है। ओके, हमारी केमिस्ट्री की किताब में 8 चैप्टर्स, सो इट्स नॉट वेरी लेंदी, 8 चैप्टर्स हैं। कंपैरेटिवली ये इतना लेंदी नहीं है हिस्सा, क्योंकि सेकेंड ईयर से अगर मैं कंपेयर करूँगा 11 चैप्टर्स होंगे। तो 8 चैप्टर्स हैं और पेपर का जो पैटर्न है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप 9th क्लास में देख चुके हैं। मैं मैट्रिक नहीं कह पाया क्योंकि वो तो आपने देखा है, लेकिन मैट्रिक में कम से कम ब्रीफिंग तो मिली थी कि पेपर अगर होता तो ऐसे होता, वही जो कहना चाहिए पेपर स्ट्रक्चर जो है वो वही है। मतलब टोटल मार्क्स 100 है जिसमें दो हिस्से हुए, 85 मार्क्स की थ्योरी है और रिमेनिंग 50 मार्क्स, 15 मार्क्स ये प्रैक्टिकल्स के।
करोना ना आता तो शायद हम इसमें कुछ चेंजेस सुनते, क्योंकि ऐसी प्लानिंग हो रही थी अर्ली दिस ईयर जनवरी फरवरी में कि नेक्स्ट ईयर से इंटर में भी न्यू स्कीम ऑफ स्टडीज लाई जाए, और जैसे अब 9th क्लास में लाने का अनाउंसमेंट हुआ था, बट स्टिल नॉट कंफर्म वेदर वी गोना फॉलो दैट और नॉट बिकॉज ऑफ कोरोना, तो ये मामले थोड़े से अटक गए महाराज, इसलिए फिलहाल तो हमारे पास कोई ऐसी उम्मीद नहीं है और हम इसी पुराने फॉलोअप को चलाएंगे। प्रैक्टिकल्स भी आप करेंगे बट ऑब्वियसली ये वो फ्रेगमेंट है हमारे सिलेबस का जो ऑनलाइन नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा अगर हमने ये देखा कि थिंग्स आर गोइंग लॉन्गर और फिजिकल क्लासेस नहीं शुरू हो रही, तो ऑब्वियसली बोर्ड वाले भी गाइड करेंगे कि फिर क्या किया जाए, क्योंकि फिलहाल कल जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई है आपने भी सुनी होगी, उसके मुताबिक ऑल फोर प्रोविंसेस एग्रीड ऑन दैट के सितंबर के फर्स्ट वीक से स्कूल या कॉलेजेस खुलने की इजाजत होगी विद वेरी स्ट्रिक्ट SOPs। तो इसका मतलब सिंपली ये है कि उससे पहले का तो कोई चांस नहीं है, अलबत्ता फर्स्ट वीक ऑफ सेप्टेम्बर में भी वो सिचुएशंस को देख कर डिसाइड करेंगे और वेदर इट इज ओपन नॉर्मली और विद सर्टेन SOPs। तो ऑब्वियसली SOPs का मतलब फिर यही होगा कि विल नॉट थिंग्स विल नॉट बी नॉर्मल इफ यू आर अलाउड टू कम टू द कॉलेज इवन देन। हम हर काम नॉर्मल अंदाज से नहीं कर रहे होंगे और फिर वही बात है कि उसमें प्रैक्टिकल्स विल बी द क्वेश्चन मार्क अगेन, कि शायद प्रैक्टिकल्स इस तरह से ना हो पा रहे हो जैसे होते थे। दोबारा ये अगर हमें मिल गई जाए तो फिर ये कॉलेज में प्रैक्टिकल्स भी आप करेंगे, लेकिन इसके इम्तिहान नॉर्मली भी थ्योरी के इम्तिहान के बाद होते थे जिस लाइक इन 9th क्लास, तो ये उस वक्त देखा जाएगा। अलबत्ता अभी जो हम फोकस कर रहे हैं ये है दिस मेन थिंग 85 मार्क्स थ्योरी, 3 आवर्स पेपर होता है और 85 मार्क्स इसके टोटल हैं, और इसकी फर्दर डिटेल क्या है, इसकी फर्दर डिटेल ये है कि ये 85 मार्क्स का पेपर 3 सेक्शंस में डिवाइड होता है, जिसमें सेक्शन ए कहलाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQs विच इज ऑफ 17 मार्क्स, ये 20% बनता है 85 का, तो इसका मतलब है हमारे पेपर का 20% मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 17 मार्क्स के हैं, इसमें कोई चॉइस नहीं होती, 17 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर में होंगे और उसके 17 मार्क्स होंगे, ये इसकी डिटेल। इसमें सबसे 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 इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये पेपर तो आपका केमिस्ट्री के पेपर में साथ ही हो रहा है, लेकिन ये बिल्कुल अलग प्रोटोकॉल के साथ होता है। अगर आप पढ़ाई किया तो उसमें यही हुआ था कि जैसे ही आप जाते हैं पेपर शुरू होता है, सबसे पहले वो आपको MCQs का पेपर देते हैं, 17 MCQs 20 मिनट्स ड्यूरेशन होती है, 20 मिनट के अंदर अंदर आपको वो पेपर सॉल्व करके वापस करना है और उसके बाद आपको थ्योरी का पेपर दिया जाएगा। इसका मतलब है ये कंपोनेंट थोड़ा सेपरेट ट्रीट किया जाएगा विद 20 मिनट्स ड्यूरेशन, और इसमें क्योंकि चॉइस नहीं है, और सबसे डेंजरस बात एक और है और वो ये है कि पूरी बुक में से कहीं से भी किसी भी टॉपिक और चैप्टर तो छोड़ दीजिए, किसी भी लाइन से वो MCQ बना सकते हैं। इट मीन्स इन ऑर्डर टू हैव अ वेरी गुड इन दिस सेक्शन वन शुड बी एबल और वन शुड मेक श्योर कि उसने सारा सिलेबस कॉम्प्रीहेंसिवली और थॉरली पढ़ा है, फॉर बिकॉज ऑफ दिस पार्ट। अब कम अज कम टीचर्स के पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो बच्चों से ये कह सकें कि ये 8 चैप्टर हैं, इसमें से ये कर लेते हैं, ये छोड़ देते हैं, पेपर हो जाएगा, पेपर नहीं हो सकता। क्योंकि आई पर्सनली नो, ऐसी बात है, देखिए फिर वही बात है, जो बच्चे थोड़े मीडियोकर हैं और वो बस ये चाहते हैं अच्छे नंबरों से पास हो जाए, उनका तो इशू नहीं है, वो तो चीज़ें छोड़ेंगे, अच्छी बात है, उन्होंने तो यही सोचा हुआ है कि बस मेरे अच्छे नंबर आने चलेगा। लेकिन वो जो हाई एम्बिशियस बच्चे होते हैं, जो 85 में से 85 मार्क्स लाने का टारगेट दिल में बसाए बैठे होते हैं, वो हैं और वो कहीं आसमान से नहीं टपकते। अब अनफॉर्चुनेटली हम कॉलेज में नहीं है, वरना तो हम आपको वो बच्चों से पर्सनली मिलाते, लास्ट ईयर वालों ने तो पेपर नहीं दिए, लेकिन उससे लास्ट ईयर जब हमारे कॉलेज से पोजीशन आई थी तो जो पोजीशन होल्डर बची थी उसके केमिस्ट्री में भी फिजिक्स में भी 85 में से 85 मार्क्स है, सिर्फ बायोलॉजी में 1 नंबर कटा था, तो उसमें भी आ जाते हैं, उसका कट गया था, लेकिन देर आर मैनी अदर जिनके पूरे मार्क्स आए हुए थे, तो पूरे मार्क्स आ सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी के 84 या 83 आते हैं, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कॉलेज में भी हम मोर देन
200 बच्चों को फर्स्ट ईयर में पढ़ा रहे होते हैं, सेंटर में इससे ज्यादा बच्चों को पढ़ा, सबका रिजल्ट पता चलता है ना। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया है इन ऑल थ्री साइंस सब्जेक्ट इवन इन मैथ्स, कि अगर किसी के एक दो मार्क्स कटे ना, 84 आ गए, 83 आ गए, तो वो एक दो मार्क्स एमसीक्यूज में कटे। ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि इवन द स्टूडेंट जो इतना ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा होता है कि उसने सारे पेपर में पूरे मार्क्स लिए, अगर कहीं नंबर कटा है एमसीक्यूज में कट गया। क्यों एमसीक्यूज में क्यों कट गया? क्योंकि उसके लिए उसे पूरे सिलेबस की 100% तैयारी चाहिए थी, पता नहीं कहाँ से कोई चीज दे देंगे। तो उसने अगर हल्का सा भी कोई एरिया लूज छोड़ा है, बस वही बेचारा मार खा गया। और इवन देन ट्रिकी एमसीक्यूज होते हैं, आपको टॉपिक आता भी था, एंड मौके पे कंफ्यूज होंगे, बाय मिस्टेक गलत कर गए, हर चीज हो सकती है। तो दिस इज सेंसिटिव पोर्शन ऑफ द पेपर। एक तो ये टेंशन है कि ये पूरे 3 घंटे आपके हाथ में हैं, 20 मिनट बाद दे देंगे, तो टाइम का टेंशन भी। तो इसकी तैयारी हमें सबसे ज्यादा एक तरह से कॉम्प्रीहेंसिवली करनी है। और उसका दूसरी इंपॉर्टेंस फिर इससे भी बढ़कर है, और वो क्या है, जाहिर सी बात है हर बच्चा जो आज फर्स्ट ईयर में है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगले साल सेकंड ईयर, और उसके बाद वो अपने प्रोफेशनल स्टडीज में जाएगा, या तो इंजीनियर या डॉक्टर, और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा। हर यूनिवर्सिटी के एडमिशन में एंट्री टेस्ट होता है, और उस एंट्री टेस्ट में एमसीक्यूज ही आते हैं। तो ऑब्वियसली जैसे इस वक्त जो बच्चे पिछले साल सेकेंड ईयर में थे, अब इम्तिहान नहीं हो सके उनके, वो आजकल अपनी एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं धवाकर, और ताकि उनको कम से कम यूनिवर्सिटी में तो अच्छी यूनिवर्सिटी दाखिला मिल जाए, तो उसमें एमसीक्यूज की प्रिपरेशन हो रही है। याद रहे ये प्रिपरेशन सेकेंड ईयर के बाद 2-3 महीनों में नहीं हो सकती। इसके लिए हर बच्चे के लिए ज़रूरी है कि उसने जैसे ही फर्स्ट ईयर में स्टेप इन किया, उसने अपने आप को डेवलप करना शुरू करना है कि एमसीक्यूज की ट्रिक्स और उसकी प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए, ताकि आगे चलकर उसे हेल्प हो। तो हम इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, और इंशाल्लाह ताला हर टॉपिक के साथ जो हम पढ़ाएंगे इन केमिस्ट्री, इन फिजिक्स, इन बायोलॉजी, इन मैथमेटिक्स, विल ट्राई टू गिव यू दी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बल्क ऑफ दी क्वेश्चंस, ताकि आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो। दिस इज फॉर द फर्स्ट सेक्शन। अच्छा, अब ये हो गए 20 मिनट्स, अब बाकी 2 आवर्स और 40 मिनट्स बचे, यानी 160 मिनट्स। उनमें हमारा रिमेनिंग 68 पार्ट्स की थ्योरी है, जिसमें दूसरा सेक्शन है सेक्शन बी, और ये कहलाता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। इसको हम लेबल करते हैं एज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। ये सेक्शन टोटल 40 मार्क्स का है, इसमें 4-4 मार्क्स के छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, 15, और उनमें से आपको 10 करने हैं। यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट 10 क्वेश्चंस आउट ऑफ 15। सो यस, वी हैव 5 क्वेश्चंस चॉइस चॉइस है इसमें, 5 क्वेश्चंस की, यानी 1/3, और हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स हैं, तो 10 क्वेश्चंस करेंगे 40 मार्क्स। द टाइप ऑफ क्वेश्चंस हियर, जो शॉर्ट क्वेश्चंस कहलाते हैं, इसमें हमने बहुत सारे मॉड्स जमा कर रखे हैं। हम डेफिनेशंस भी पूछेंगे, 4 डेफिनेशंस पूछेंगे, 4 मार्क्स के देंगे। हम मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स के दरमियान डिफ्रेंशिएट करवाएंगे, कंपेरिजन करवाएंगे, इस चीज़ को इस चीज़ से कंपेयर कर दें या डिफ्रेंशिएट कर दें। इस हिस्से में हम साइंटिफिक रीजंस भी पूछते हैं, छोटी छोटी बातों के, जो 3-3, 4-4 लाइंस के आंसर होंगे। इसमें हमारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, और इसमें हमारी छोटी छोटी सी डेरिवेशंस और डिस्क्रिप्शन वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। सो इट मींस देयर आर 5 मेजर कैटेगरीज जो इस पर्टिकुलर सेक्शन में क्वेश्चंस की वैरायटी है। और होगा ये कि ऑब्वियसली हम पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, और हर अंदाज से अपनी प्रिपरेशन को करेंगे। यानी तरीका यही होगा कि टॉपिक पढ़ाने के बाद हम टेस्टिंग करते हुए हर टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, ताकि आपकी हर लिहाज से डेफिनेशन लिखनी है तो उसमें कितनी बातें लिखनी है, क्या चीज़ मेंशन होनी चाहिए क्या नहीं, डिफरेंस लिखने हैं तो किस तरह लिखने हैं, न्यूमेरिकल्स करने का क्या तरीका है। क्योंकि मैं फिर कहूँ, लास्ट कल बात हो रही थी तो एक बच्ची ने हमसे क्वेश्चन भी किया था कि जो बच्चे दूसरे बोर्ड से आ रहे हैं तो उन्हें क्या गाइड किया जाएगा। तो मैं ये बता दूं कि वही वाली बात है कि हम लोगों को नेगेटिव चीज़ों पे पहले असर पड़ता है और उसके लिए परेशान हो जाते हैं। यस, दी स्टूडेंट्स फ्रॉम दी अदर बोर्ड, स्पेशली कैम्ब्रिज और आकान, जहाँ स्टडीज जो है वो रट्टाफिकेशन पर इतनी बेस नहीं करती हैं, और वो लोग लॉजिकल चीज़ें पूछते हैं और लॉजिकल अंदाज से पढ़ते हैं, जिसमें रिटन मटेरियल कम होता है, और हमारे यहाँ वो ज़्यादा होता है। ये सही है बात, और उसके लिए हम इसीलिए कह रहे हैं हर क्वेश्चन में गाइड करें क्या लिखने क्या लिखना। लेकिन ये गलत है कि हम सबसे पहले यही चीज़ पर परेशान हो जाए, क्योंकि द फैक्ट इज ऐसे बच्चों को सिर्फ इतनी सी चीज़ की परेशानी कुछ दिनों तक रहेगी,
कि जवाब को लिखने का अंदाज क्या होगा, बस उसके बाद वो भी यूजफुल हो जाएंगे। लेकिन जो एडवांटेजेस उन्हें हैं उन बोर्ड से आकर कराची बोर्ड में आने के, वो अनलिमिटेड है। सीआईई वाले यानी कैम्ब्रिज वाले जो केमिस्ट्री हम इस साल पढ़ाएंगे, बाकी सब्जेक्ट वाले अपने सब्जेक्ट की बताते रहे, मैं अपनी बता रहा हूँ, तो केमिस्ट्री हम पढ़ाएंगे अगर आधी नहीं तो 40% केमिस्ट्री वो पहले से पढ़ कर आए। ये आपने अपने ओ लेवल्स में वो सारे टॉपिक पढ़े होंगे जो आप यहाँ पढ़, थोड़ा सा अंदाज बदलेगा ना लेकिन टॉपिक पूरे वही होंगे, तो आप वी आर बी वेरी वेरी कंफर्टेबल। यही आ खान वालों का है, अगर उनका थोड़ा सा सीआईई से कम कह लीजिए आप, लेकिन उनको भी बहुत सारे टॉपिक ऐसे मिलेंगे ये तो हम पढ़ के आए, तो ये एडवांटेज उनको होगा। तो छोटा सा डिसएडवांटेज है कि उन्हें थोड़ा सा अपना एटीट्यूड चेंज करना है, और चीजें ये कहना कि लर्न करनी है तो मैं कहूँगा नहीं, लर्न तो आ खान बोर्ड और सीआईई बोर्ड में भी बच्चों को करनी पड़ती है, और हमसे ज्यादा करनी पड़ती है। आप याद वहां भी बहुत करते हैं, फर्क सिर्फ ये होता है कि लिखना नहीं पड़ता, वो चीजें आपके जहन में होती हैं, सवाल ऐसे ट्रिकी होते हैं कि आप इंटरप्रेट करके एक लाइन का या दो लाइन का, तो लिखने की आदत नहीं आती, वो इंशाल्लाह बिल्डअप हो जाएगी तो जल्दी। ओके, सेक्शन कुछ ये बी जो है ये कंपैरेटिवली सबसे आसान सेक्शन है, नंबर स्कोरिंग सेक्शन। जैसे मैंने पहले वाले के लिए आपसे कहा खुद सेट ऑफ थिंग वेरी डिफिकल्ट कि कोई बच्चा 17 out of 17 नंबर ले आए, क्योंकि पूरे किताब में से हम चुन चुन के बनाते हैं एमसीक्यू। अलबत्ता सेक्शन बी अपनी चॉइस की वजह से ये सबसे आसान सेक्शन होता है, और अगर किसी बच्चे ने सिलेक्टेड भी पढ़ा हुआ है फर्स्ट सेल में तो उसे भी इस सेक्शन में काफ़ी कंफर्टेबल फील करता है, क्योंकि 5 क्वेश्चन की चॉइस होती है तो उसे अपने मतलब के क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। लास्ट सेक्शन है डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चन आंसर या लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, जिसके टोटल 28 मार्क्स हैं। यहाँ 14 14 मार्क्स के दो क्वेश्चन आपको करने होते हैं, इसीलिए लॉन्ग कहला रहे हैं कि एक क्वेश्चन कैरी 14 मार्क्स। यहाँ टोटल 3 क्वेश्चन आते हैं और उसमें से आपको दो करना, सो इट मीन्स यहाँ भी एक क्वेश्चन की पॉइंट है 1/3। तो इशू इस सेक्शन में ये भी सेक्शन बी के मुकाबले में टफ ही है, लाइक सेक्शन है, टफ क्यों है, इशू यहाँ ये है कि हम इसे कहते तो लॉन्ग क्वेश्चन रहे लेकिन हकीकत ये है कि ये भी शॉर्ट क्वेश्चन जैसे ही क्वेश्चन हैं, डेफिनेशन डिफ्रेंशिएट रीजनिंग न्यूमेरिकल्स इस टाइप के। करते ये क्या है कि उन्हें जो 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनाना है उसके वो 4 पार्ट्स बना देंगे ABCD करके, कोई 3 मार्क्स का कोई 4 मार्क्स का। और मुसीबत क्या करेंगे कि अगर उसने पार्ट ए जो है वो चैप्टर 1 से लिया है तो पार्ट बी जो है वो चैप्टर 4 से ले लिया, तो पार्ट सी जो है वो चैप्टर 7 से ले लिया। इट मीन्स दे विल टेक द क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर्स टू मेक वन लॉन्ग क्वेश्चन। अब बच्चे के लिए क्या मुसीबत है, उसने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया 14 मार्क्स वाला, उसका पार्ट ए बी सी आता है, डी नहीं आता, उसको डी में कंफ्यूज हो गया तो क्वेश्चन तो खराब हो गया उसका। तो अगेन कॉम्प्रीहेंसिव और बहुत ही इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू अटेम्प्ट द फुल क्वेश्चन। तो इसलिए हमने कहा कि जितनी मेहनत करेंगे उसी हिसाब से मार्क्स आएंगे, यही अच्छा पैटर्न होता है पेपर का। तो बहरहाल ये पेपर पैटर्न मैंने आपसे इसलिए एड्रेस किया है कि पहले ही दिन आपको ये पता हो, वेल दिस इज आवर टारगेट टूवर्ड्स विच वी हैव टू मूव ऑन। और सब चीज़ों की तैयारी कराते वक्त हम इन सारी बातों का ख्याल रखेंगे, और जैसे बात अभी तो बात शुरू हुई है तो कुछ तो अभी दिनों के बाद 5 ईयर पेपर सामने थे, 5 ईयर पेपर उसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी। याद रहे मैट्रिक में एक गलत फहमी बच्चों में रहती है कि तैयारी फायदा से, तो ये जुमला काफ़ी अच्छे तक तो खुद मेरी समझ में नहीं आया जब बच्चे मुझे कह रहे थे इसका मतलब क्या है। बाद में पता चला कि बच्चे 5 ईयर उठाते हैं और पिछले 5 सालों में जो क्वेश्चन आए हुए हैं सारे कर लिए, बस काम हो गया। तो भाई हो सकता है 9 10 में काम हो जाता हो, क्योंकि बहरहाल वहाँ पेपर स्ट्रक्चर आसान है, लेकिन गलती से भी भूले से भी ये हरकत इंटर में मत। 5 ईयर की तैयारी करके यानी जो क्वेश्चंस 5 ईयर में आए हैं उनसे आप अपना पेपर देने की सोचें तो मेरे ख्याल में 85 में से 28 मार्क्स पासिंग है, इंशाल्लाह वो आ जाएंगे पासिंग मार्क्स, बस इससे ज़्यादा नहीं आता। तो ये गलत फहमी है आपकी, इंटर में पेपर ऐसा। हम अगर आपको कह रहे हैं 5 ईयर को हम कंसीडर करेंगे तो ये अपनी प्रैक्टिस के लिए करेंगे, ये सोच के नहीं करेंगे कि अगर हमने ये कर लिया तो बस यही सवाल पेपर का है। नो, ये ऐसे एग्जाम्पल होगा कि जैसे मैंने अभी कहा न्यूमेरिकल्स वहाँ आए हुए हैं तो हमें अंदाजा होगा
आधे न्यूमेरिकल्स तकरीबन वही होते हैं जो बुक के हैं, वही उठा लिया, जिसका मतलब बुक के न्यूमेरिकल्स करने से भी सबसे पहले करा दिया। अब जो नए सवाल बने उससे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, उसी स्टैंडर्ड के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस की जाए ना जैसे इम्तिहान में आते हैं। इसी तरह जो मैंने अभी बात की है, ये जो बच्चे याद करते हैं ना, उनके लिए सबसे बड़ा इशू ये होता है कि अगर एक क्वेश्चन पूछा गया है तो सर इसमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, क्योंकि एक ही टॉपिक से वो लॉन्ग क्वेश्चन भी बना देते हैं शॉर्ट भी, तो कितना लिखूं कितना ना लिखूं, सिर्फ डेफिनेशन पूछे तो उसमें क्या लिखना चाहिए। इस बात को समझाने के लिए हम रेफरेंस लेते हैं, ये देखिए फला साल 5 ईयर में ये सवाल आया था तो इसके जवाब में आपको ये लिखना है, फला साल 5 ईयर में ये सवाल आया था तो अब इसके जवाब में ये लिखना, ये एग्जाम्पल देने के लिए उसकी जरूरत पड़ती है, ये ना हो कि हम उसी में डिपेंड करके बैठे। तो अब ये सारी बातें मैंने आपसे कर ली अबाउट दी पेपर पैटर्न, आगे भी चलेंगी, बहुत बातें होंगी, अभी तो अभी शुरू हुआ है काम। अब एक पहली नसीहत आपके लिए ये है कि सिंस वी आर नाउ यूजिंग दिस ऑनलाइन सिस्टम, तो इसको आपने इफेक्टिव आपने बनाना। हमारे टीचर कहा करते थे यूनिवर्सिटी में कि अच्छे टीचर से अच्छे स्टूडेंट्स बनते हैं, ये बात पुरानी है, अब नए जमाने का नया हिसाब है कि अच्छे स्टूडेंट्स अच्छा टीचर बनाते हैं। हमारी समझ में नहीं आई बात, हमने कहा स्टूडेंट कैसे टीचर बनाएगा, तो उन्होंने हमें यही कहा, कहने लगे कि जब स्टूडेंट्स इतने ज्यादा डिमांडिंग है कि वो अपने टीचर की हर बताई हुई बात और हर काम को एक स्टेप आगे बढ़कर करें, मैंने उनको एक काम दिया उन्होंने वो काम भी किया बल्कि उससे आगे भी दो चीजें ढूंढ के रखी, सर ये बताएं ये क्या होता है, तो उससे उस टीचर को ये समझ आ जाती है कि ये बच्चे इतने डिमांडिंग है कि इनके लिए मुझे भी एक्स्ट्रा मेहनत करनी, और ऐसे बच्चे हों जिनको हम काम दें तो पता चले कोई करके ही नहीं ला रहा, तो अगली दफा टीचर भी छोड़ ये तो पढ़ते पढ़ाते हैं इनको तो गुजारा चला, तो वो टीचर भी डल हो जाता। तो बच्चों की एफिशिएंसी टीचर को अलर्ट रखती है, कभी आप टीचर बनने की कोशिश करें तो आपको अंदाजा होगा कि हम कितनी टेंशन में होते हैं। एक दफ़ा ऐसी सोचें कि आप क्लास मैट्रिक में थे और आपको स्कूल वाले कहते जाइए क्लास 8 में जाके पढ़ाए, होता है कुछ स्कूलों में ऐसा करते हैं बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए, तो उस बच्चे की साइकोलॉजी और क्या होगी, आप थोड़ी देर के लिए सोचें अगर मैं आपको ऐसी किसी क्लास 8 में भेजूँ, क्लास 8 तक छोटी क्लास, आपको सबसे ज़्यादा डर क्या होगा जब आप कोई टॉपिक सेलेक्ट करेंगे पढ़ाने के लिए ना। मैंने फीस ये क्योंकि जाती एक्सपीरियंस है, मुझसे बच्चे आगे पूछते थे तो उनका क्वेश्चन पता क्या होता था, वो कहते थे सर ये हमने टॉपिक तो तैयार कर लिया एक छोटी क्लास में ऐसा पढ़ाना है, लेकिन सर अगर बच्चों ने कोई ऐसी बात पूछ ली तो मुझे नहीं आती, तो फिर सबसे ज़्यादा डर ये लगता है उन्हें कि अगर कोई ऐसी चीज पूछनी तो मुझे नहीं आती मेरी कितनी बेइज्जती हो जाएगी सब बच्चों के सामने। तो आप सोचिए मतलब वी आर नॉट परफेक्ट ना, सारी चीजें हमें भी नहीं आती, तो हमें कितना हर रोज हर वक्त ये धड़का लगाओ कि यार ऐसा ना बेइज्जती हो जाए, बच्चा पूछे मुझे ना आता हो या मेरे मुंह से गलत निकल जाए, तो अब ये डर किस टीचर को होगा और कब होगा, उस टीचर को होगा और उस वक्त होगा जब उसके सामने ऐसे बच्चे बैठे होंगे जो क्वेश्चंस करते हैं, जिनके अंदर पढ़ने की तड़प है, नई नई बातें ढूंढ के लाते हैं वो और वो पूछते हैं, तो वो टीचर अलर्ट रहेगा यार ये क्या करें, जो बच्चे पूछते ही नहीं उसमें तो हम ऐसे ही लेजी हो जाएंगे कि भाई पढ़ के भी आने की जरूरत नहीं, इनको तो पता ही नहीं चलता कुछ भी पढ़ा। सो योर एफर्ट्स विल मेक योर टीचर मोर एफिशिएंट देन ही इज, तो इसका मतलब ये है कि वो उसके लिए जरूरी है कि हम भी कुछ जान लगाए ना। तो अब पहला काम ये है कि आप सबके पास, आज तो हमने यही बातें कर ली, इसके लिए भी जरूरी था कि आप सबके पास एक नोटबुक हो एंड यू ट्राई टू राइट एवरीथिंग जो आपको पढ़ाए, जैसे आप क्लास में लेक्चर नोट करते हैं अभी भी लेक्चर नोट करेंगे, तो आपके पास केमिस्ट्री के लिए एक अलहदा से रजिस्टर हो, कॉपी हो, डायरी हो, वॉट एवर, मगर वो एक सब्जेक्ट की स्पेसिफिक। जो तरीका गलत है लेक्चर्स को नोट करने का वो ये है कि आपने एक रजिस्टर बनाया, केमिस्ट्री क्लास हुई केमिस्ट्री में लिखा, नेक्स्ट क्लास फिजिक्स की थी उसी में फिजिक्स लिख दिया, फिर उसी में आपने मैथ्स या बायो लिखी, दिस इज नॉट, ये सही नहीं है। इससे नुकसान ये है कि जो चीज़ें आप लिखते जा रहे हैं रोजाना इस तरह मिक्स करके जब आपको कभी उसे रिवाइज करना पड़ेगा आप परेशान हो जाएंगे, ढूंढ रहे होंगे आप केमिस्ट्री अब दूसरी कहाँ है सब मिक्स हुआ हुआ है, तो हर सब्जेक्ट का अलग पतली मोटी जैसी आपको सहूलत हो, भाई जो मैथ्स वाले बच्चे हैं जैसी बात है उनका रजिस्टर थोड़ा हैंडसम होना चाहिए, उनको बहुत काम करना होता है, बाकियों का एक नॉर्मल रजिस्टर हो, कॉलेज में होते तो हमारे पास कॉलेज की स्टेशनरी होती है, लेकिन आपका ऐसी बात है ऐसी कोई कंपल्सन आपके नहीं है, आप कहीं से लें कुछ भी लें, बस आपके पास एक केमिस्ट्री का अलग से रजिस्टर होना चाहिए और उस रजिस्टर में आपने सिर्फ केमिस्ट्री लिखनी है तरतीब से, मैंने कल भी कहा था फिर रिपीट कर रहा हूँ, हर चीज क्लास में सारे नोट्स मैं यहाँ लिखवाऊंगा अकॉर्डिंग टू दी पैटर्न, एक एक चीज की वजाहत करके, रिटर्न में भी नोट्स देने हैं वो बैकअप प्लान होगा, लेकिन क्लास में एक चीज लिखी जा रही होगी तो प्लीज
मेंटेन कीजिएगा रजिस्टर को बिल्कुल सिस्टम ऊपर। लिखते वक्त जैसे मैं लिखूंगा होता है कभी आपने उतारा नहीं और स्क्रीन चेंज हो गई, तो मैंने कल भी कहा था हम हर लेक्चर के एंड में अपनी स्क्रीन की सारी स्लाइड्स आपसे ग्रुप में शेयर करें, उसका सिर्फ एक नुकसान, 2 दिन के बाद बच्चे को कहा रहा था सारी स्क्रीन को सेव करके लिखने लिखने की क्या जरूरत। अगर ये एटीट्यूड आया तो याद रहे वो स्क्रीन शॉट आपके पास जमा होते रहेंगे रोजाना 3-3, 4-4 क्लासेस के, और उतारने का मौका नहीं आएगा, क्योंकि जब इतनी सारी जमा हो जाएंगी तो आपका दिल ही नहीं जाएगा उतार। तो रोज का काम रोज कीजिएगा, अगर किसी वजह से आप लेक्चर में से कोई चीज उतारने से रह गई है तो जैसे ही पीरियड खत्म हुआ आपने देखा स्क्रीन शॉट्स आपके पास आ गए हैं, आप फौरन अपना काम छोड़ दिया आपने तो फिर वो अटका रह जाएगा, फिर तैयारी नहीं हो सकती, जो जितनी सुस्ती दिखाएगा उसके मार्क्स उतने लूज होते जाएंगे, ये जहन में रखिएगा। तो अब हमारे पास केमिस्ट्री का जो हिस्सा हम आपसे शेयर करना चाहते हैं और शुरू करना चाहते हैं, हम शुरू करेंगे वो चैप्टर नंबर 2 से, और चैप्टर नंबर 2 का नाम है थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस। व्हाई चैप्टर 2, व्हाई नॉट चैप्टर 1 सर? चैप्टर 1 का नाम भी बता रहा है कि वो तो इंट्रोडक्शन टू द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, तो वो तो पहले हमें ही करना चाहिए ना। बिल्कुल सही है, दोनों से कर सकते हैं, मगर अब फौरन आपको अंदाजा हो जाएगा व्हाई आई चूज दिस वन। देखिए पहला मौके पहला हमारा जो टारगेट कह लें आप ऑब्जेक्टिव कह लें वो ये है कि हम आपको केमिस्ट्री 0 से पढ़ा, हम ये कंसीडर नहीं करेंगे कि ये बच्चे 9th या 10th में भी केमिस्ट्री पढ़कर आए हैं और उसके बाद से शुरू करते हैं, तो इन्हें ये छोटी छोटी बातें तो पता ही नो। जो कैम्ब्रिज में थे उन्होंने तो सारी सी बात है अभी पढ़ी केमिस्ट्री, पेपर नहीं दिया वायरल। आखान वाले भी मैट्रिक में केमिस्ट्री का कुछ हिस्सा पढ़ते हैं, कुछ लाइन में पढ़ते हैं, और जो हमारे बल्क हैं स्टूडेंट्स यानी के कराची बोर्ड वाले वो सिर्फ 9th। अब दो बातें, 9th में पढ़ने वाले का पूरे 1 साल से ज़्यादा का गैप आ गया, और ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि ज्यादती होगी नॉट बी फेयर कि मैं ये कंसीडर करूं कि ईयर बिफोर आपने जो चीज़ें पढ़ी थी वो सब आपको आ गई। जिन्होंने मैट्रिक में पढ़ लिया आखान बोर्ड वालों ने या कैम्ब्रिज वालों ने, तो उन्होंने पेपर नहीं। अब मैं भी ये समझता हूँ, आप भी ये समझते, चाहे बच्चे जितना अच्छा पढ़ने वाले हों या जितना एवरेज पढ़ने वाले सारा साल पढ़ते हों, लेकिन ये बात फैक्ट है कि एग्जाम से 1 महीने पहले का जो टाइम होता है 70-80% तैयारी उसी में होगी, उससे पहले साल भर में जो पढ़ा है वो भी होगा अफेक्टिव, लेकिन असल में जान मार देते हैं उसी, और वो फेज आया ही नहीं क्योंकि हमें अंदाजा हो गया कि तो पेपर होने के चांस नहीं है, तो हम में से किसी की वो फिनिशिंग अच्छी नहीं होगी। तो इसका मतलब है अब ये कंसीडर करना कि आपको फना फना चीज आती है थोड़ा सा है, और हम ये बिल्कुल भी नहीं कर रहे। हम ये जरूर कह रहे होंगे कभी कभी कि ये आपको उस वक्त भी पढ़ा था अब फिर पढ़, लेकिन हर चीज कोशिश करेंगे तो बिल्कुल 0 से उठाएं ताकि आपको ये कहने का मौका ना मिले कि चूंकि मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट ठीक थे ना तो आगे की बातें सब। हम हर चीज शुरू से पढ़ तभी मजा आएगा, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ऐसा करने के लिए हम आप पर कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे हैं, हमारे सिलेबस बनाने वालों ने किताब बनाने वालों ने भी यही पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, और उन्होंने भी हर टॉपिक को इस तरह शुरू किया है जैसे ये बच्चे इससे पहले ये टॉपिक पढ़ ही नहीं चुके हैं, बिल्कुल शुरू से, ताकि बच्चों की हेल्प हो, अच्छी बात है। तो अब मेरे पास इसका मतलब है ऑप्शन इक्वल है, मैं चैप्टर 1 से शुरू करूँ तो वो भी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, चैप्टर 2 से करूँ तो वो भी बेसिक कॉन्सेप्ट। तो मैंने चैप्टर 2 इसलिए चूज किया कि आप और मैं एक दूसरे को नहीं जानते, एक तो जानते भी नहीं है और दूसरा देख भी नहीं रहे एक तरह से देखा जाए तो अब मैं चाहे जितना अच्छा टीचर हूँ या जितना बुरा, मेरा और आपका पहला इंटरेक्शन, और जाहिर सी बात है हमें एक दूसरे की बातें और अंदाज समझने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए,
तो ऐसी सूरत में अकलबंदी ये होती है कि ऐसे टॉपिक से स्टार्ट किया जाए जो डिस्कोनी के साथ साथ आसान भी हो और ज्यादा फेमिलियर हो। तो इस चैप्टर को पिक करने की एक वजह ये है कि इसमें हम जिन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे वो रिलेटिवली इजी भी है, और सबसे बढ़कर ये है कि कंपैरेटिवली जरा कम अरसा हुआ है उन्हें पढ़े। तो ये इसमें जो टॉपिक्स आप पढ़ेंगे वो कराची बोर्ड वालों ने भी मैट्रिक की फिजिक्स में पढ़े, बाकी उन्हें तो पढ़े ही हुए होंगे, उन्होंने भी पढ़े हैं, तो जरा ज्यादा याददाश्त में जल्दी आ जाए, आसानी हो जाएगी। और इसके बाद हम जब चैप्टर वन पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा वहाँ थोड़ी सी बात इसलिए मुश्किल है कि वो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन या न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली खासतौर पर वो बच्चे जो प्री मेडिकल में होते हैं वो साइकोलॉजिकली थोड़े से डरे हुए होते हैं, तो हम उन्हें शुरू में ही अगर ये बम फाड़ दें तो। सो दिस इज कंपैरेटिवली इजी चैप्टर एंड वी शुड बिगिन फॉर इट। तो ये है थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड लिक्विड और गैस, और हम यहाँ शुरू करेंगे इस बात से कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या, और उससे इस चैप्टर को कनेक्ट करेंगे यानी फ्रॉम द जीरो। तो अब ये शुरू तो इंशाल्लाह कल नेक्स्ट टाइम ही होगा, हम आज ही आपके ग्रुप में आपका पूरा टाइम टेबल शेयर कर देंगे। अभी तो हमने आपको सिर्फ आज की क्लासेस शेयर की थी, अब ये इसी ग्रुप में शेयर हो जाएगा जो कि 4 डेज हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, यानी इसका मतलब है अब आपकी नेक्स्ट क्लास मंडे के दिन होगी। क्या टाइमिंग, किस सब्जेक्ट की, ये सारा शेड्यूल पूरे वीक का हम आपसे शेयर करें, ठीक है। और आपको एक होमवर्क दे रहे हैं ताकि जब हम अपनी अगली क्लास शुरू करें तो इसी से करें, आप एक अच्छी सी केमिस्ट्री की डेफिनेशन याद करके हमें बताएंगे, हम पहले आते ही सबसे पहले यही पूछेंगे। इससे जरा ये होगा कि आज सिर्फ मैं बोलता रहा हूँ और आप सुनते रहे कि अच्छी बात है, पेपर पैटर्न मेन चीज थी, लेकिन आइंदा हम चाहेंगे कि इट्स बी इंटरेक्टिव क्लास, कुछ बातें आप पूछ रहे हो या मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ताकि आपका भी इनपुट हो, आप भी अलर्ट रहे और मैं भी अलर्ट। तो अब आपको 10 मिनट्स का हम ब्रेक देंगे और फिर आपकी नेक्स्ट क्लास जिसकी शुरू होगी उसका भी लिंक ग्रुप पर ही या तो आ चुका होगा या भी फॉरन आएगा, ठीक है। तो उस लिंक से आप आएंगे, ये क्लास हम यहाँ खत्म कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।